अरुण जी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं पीएसयू स्पेस में भी, और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके आपने नाम लिए हैं जो कि खरीदारी करनी चाहिए, जिनमें एक्शन बन सकता है। कोई ऐसे स्टॉक्स पर्टिकुलरली जो आपने फंडामेंटली या टेक्निकली हमारे दर्शकों के लिए चुने हैं किसी पर्टिकुलर व्यू के साथ? संदीप जी, अगेन दो स्टॉक चुने थे जो मैंने शुरू में दे दिए थे स्टॉक शो के मिड ऑफ द आप कह सकते हैं सेशन में, तो वहां से थोड़े स्टॉक चल चुके हैं, पर मुझे लग रहा है कॉनकोर 955 के आसपास दिया था, 3-4 रुपये ऊपर है, तो उसको बाय करके चल सकते हैं। प्योर टेक्निकल कॉल है, कोई फंडामेंटल वैसे भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये दोनों कॉल्स प्योर टेक्निकल्स के बेसिस पे है। 955 960 के बीच में मिलता है तो बाई करें, 935 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 995 का टारगेट कॉनकॉर में रहेगा। सेकंड स्टॉक गेल में बाई करने की सलाह रहेगी। अगेन ये भी स्टॉक पिछले आधे घंटे में 2-3 रुपए चल चुका है, तो 1-2 रुपए गिरावट मिलती है, तो गेल को 182-183 के आसपास बाई करें, 177 का स्टॉप लॉस लगाए और 195 का टारगेट। ठीक है, 182, 183 ये लेवल्स हैं जो कि गेल को आपको खरीदारी करने के लिए ढूंढने चाहिए। उन लेवल्स पे मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल कॉल है, 195 रुपये का टारगेट होगा, 177 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और जो दूसरा नाम है वो भी एक सरकारी कंपनी है, वो है कॉनकॉर का, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें भी आपको खरीदारी करनी है, 935 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 995 रुपये का आपको टारगेट लेके चलना है। सर, टेक्निकल कॉल है तो फिर शॉर्ट टर्म ही होगा, क्या ट्रेडिंग व्यू इसमें लेके चलना है? क्लियरली संदीप जी, 4 से 5 दिन का व्यू है। अगर 4 से 5 दिन में स्टॉप लॉस नहीं होता, टारगेट भी नहीं होता, अगर मिड ऑफ द बैंड में रहता भी है, प्रॉफिट में भी रहता है, तो मैक्स 5 डेज आप कह सकते हैं। थर्सडे तक का व्यू रखें, थर्सडे तक अगर जो लेवल के आसपास मिलता है तो वहां पे एग्जिट कर ले। अगर ये टारगेट पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो उसका भी ध्यान रखें। मोस्टली 4 to 5 डेज का व्यू रहेगा। 4 से 5 दिन का व्यू रखें इन दोनों स्टॉक्स में, जो टारगेट आपको बताए गए हैं गेल और कॉनकॉर, जो कि आपके लिए चुन चुन के अरुण जी लाए हैं। इन दोनों स्टॉक्स में आप कर सकते हैं खरीदारी। चलिए, चलिए सर, मार्केट में तो हम देख रहे हैं कि आज एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल भी रहा है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर चर्चा हुई है, आपने भी जो दो स्टॉक्स हमें बताए हैं इनको लेकर और जितने भी सवाल आपने एड्रेस किए हैं, कोई डिस्क्लोजर, कोई डिस्क्लेमर जो आप शेयर करना चाहेंगे? संदीप जी, पावर ग्रिड और बीईएल ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो उसका एक जरूर मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। वहाँ पे स्टॉक में काफी अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है, और गेल और जो कॉनकोर का ये हमने ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दे रखी है, उसी के आसपास चल रहा है, 1-2 रुपए आप कह सकते हैं थोड़ा ऊपर है, पर मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक काफी अच्छा करने चाहिए, थोड़ा डिप मिलता है तो जरूर बाय करें। 4 से 5 दिन की पोजिशन कॉल्स रहेंगे, और बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए, जो भी क्वेरीज सॉल्व की, क्लाइंट की पोजीशंस हो सकती है, क्योंकि मेजरली सभी ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, सारे सवालों के जवाब दिए, और जो चुन चुन के स्टॉक्स हमारे दर्शकों के लिए आप लेके आए हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर।